हेलो फ्रेंड्स, अन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हमने बनाया है ये हेयर ऑयल। तो इस हेयर ऑयल को मैंने आपके साथ शेयर किया है आज। तो ये बहुत ही गुणकारी ऑयल है, इससे आपके बाल काले रहेंगे और बाल घने रहेंगे। और आप क्लीन करोगे तब बाल आपके, शैम्पू करोगे उस टाइम पर ऐसे खिले खिले हो जाएंगे, ऐसे लगेंगे जैसे आपने कंडीशनर कर लिया हो। तो बहुत ही अच्छे बाल होने वाले हैं आप इस ऑयल को यूज करोगे तो। बालों की सारी बीमारियों का ये जड़ ये ऑयल है। इस ऑयल को एक बार बना लो और बस आराम से पूरे साल भर की छुट्टी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। ये लिए हैं मैंने आंवले। तो ये आंवले हैं 250 ग्राम। तो अब हम इन आंवलों को ग्रेट कर लेते हैं। तो ये छोटा सा ग्रेटर है, इसी से कर रही हूं मैं। इससे बिल्कुल बारीक ग्रेट होंगे ये। मैंने मोटे ग्रेटर से नहीं, बिल्कुल एकदम बारीक वाला है ये, इससे ही ग्रेट कर रही हूं मैं इन सभी आंवलों को। ये देखो, मैंने सारे 250 ग्राम आंवले ऐसे ही इस बारीक वाले ग्रेटर से सब घिस लिए हैं। और ये जो मैंने गुट्टियां निकाली है इसकी, ये गुट्टियां भी मैं फेंकने वाली नहीं हूं। इनको भी मैं पानी उबाल करके, इनमें अभी थोड़ा सा है, थोड़ा थोड़ा पार्ट, तो 1 कप पानी हमारा बन जाएगा। और उसके अंदर काला नमक, जीरा और इसके अंदर चाट मसाला डाल के आप पियोगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो मैं 1 कप पानी इसका बनाऊंगी। तो इसे तो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, अभी मैं इसी को शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैंने देखो सारा ग्रेट करके आपको दिखा दिया है। ऐसे मैंने बारीक ग्रेट किया है, ये 250 ग्राम है। ये देखो, मैंने कढ़ाई ली है, ये आयरन की कढ़ाई है। आप ऐसी ही कढ़ाई ले, और अगर आपको ऐसी कढ़ाई नहीं मिलती है तो आप स्टील के बर्तन में भी बना सकते हो। तो ये देखो, गैस की फ्लेम मैंने ऐसी रखी है, ऐसी ही गैस की फ्लेम के ऊपर हम ये कढ़ाई चढ़ाएंगे। तो कढ़ाई चढ़ा करके फिर हम इसके अंदर ये हमारा जो ये आंवला हमने ग्रेट किया था, ये इसमें हम डाल देंगे। ये देखो, मैंने गोले का तेल लिया है, ये गोले का डिब्बा मैंने पूरा लिया है। इसको देखो, इसकी सील मैं अभी तोड़ूंगी। तो ये 200 ग्राम का डिब्बा है, तो ये 200 ग्राम तेल मैं पूरा ले रही हूं। ये देखो, मैंने इसकी सील हटा दी है, ये जो टैग लगा रहता है ऊपर, ये मैंने हटा दिया है। इसी के साथ अब हम ये गोले का तेल इसके अंदर डाल देंगे। तो ये तेल हम इसके अंदर पूरा डालने वाले हैं। ये थोड़ा सा अभी जमा हुआ है, सर्दी है तो जमा हुआ है ये तेल। तो मैं इसको कट कर लेती हूं। तो मैंने सारा इसमें से ऑयल डाल दिया है। ये देखो, इसकी जो जमा हुआ था वो भी मैंने इसमें निकाल करके और डाल दिया है। इसे हमें बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाना है, बिल्कुल धीरे धीरे से एकदम ये पकेगा। सारा तेल मेल्ट हो गया है और ये देखो, अब ये अच्छे से इसके अंदर डूब चुका है। तो अभी हम इसको ऐसे ही स्लो गैस पर ही रखेंगे इसको। तो इसके अंदर हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो ये तेल हमारा तैयार हो रहा है। इसी तरीके से हमें बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे हमें इसको पकाना है। तो आप ऐसे ही इसे धीरे धीरे पका लेना थोड़ी सी देर के लिए। और ये देखो, मैंने 1 चम्मच इसके अंदर गाय का ये देसी घी ऐड किया है। ये हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, तो ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आपको गाय का घी नहीं मिलता है तो आप घर के अंदर घी बनाते हो मलाई का, वो घी 1 चम्मच ले सकते हो। फ्रेंड्स, आप इस तेल को ढककर के पकाओगे तो अच्छा रहेगा। देखो, ये थाली पे ये तेल है हमारा, ये तेल उड़ता है जब हम इस तेल को पकाते हैं। तो इस तेल को हमें ढक के ही पकाना है। ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे ये पक रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको ढक्कन को हटाया है और ये मीडियम फ्लेम पर ही मैंने इसको पकाया था। तो आप देख सकते हो, अब ये पक करके ऐसा हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसने तेल भी देखो इस तरीके से छोड़ दिया है। तो आप देख सकते हो इसका तेल किस तरीके से छूट रहा है। तो ये ऐसे छूट रहा है,
तेल, ये मैंने बारीक ग्रेट किए थे, तो ये बिल्कुल एकदम इसने अपना पूरा ऑयल दे दिया है। अब क्या है कि ये तेल थोड़ा बहुत कम तो हो ही जाता है, हम जब इसमें डालते हैं पकाते हैं, चाहे कितना ही ढक्कन लगा लो फिर भी थोड़ा बहुत तो तेल कम हो ही जाता है। तो अब हम इसको, ये मैं चालनी के अंदर छान लेती हूँ इसको, तो ये देखो आपको दिखा दूँ, ये देखो इसका ऑयल निकल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है ये कलर इसका, और कितना बढ़िया ये इसके अंदर निकल रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इसको अच्छे से नचोड़ रही हूँ, इसके अंदर जो भी जितना भी तेल है मैं इसको सारे को निकाल रही हूँ, ताकि हमारा तेल वेस्ट ना जाए और हम इस तेल को सारे को उपयोग में ले सके। तो ये कपड़े की सहायता से अगर हम ऐसे निचोड़ेंगे तो ये सारा तेल हमारा आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये मैंने जार में डाल दिया था पहले भी, और ये अब मैं दोबारा डाल रही हूँ। तो ये देखिए हमारा इतना ऑयल हो चुका है, आप देख सकते हो। इस तेल को हम आराम से 12 महीने 1 ईयर के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा फायदेमंद ऑयल है। इस ऑयल से आपके बाल बहुत ही अच्छे और लंबे, काले, घने, जो भी आपके बालों में प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम को खत्म करने वाला ऑयल है, ये बहुत ही अच्छा ऑयल है। ये देखिए फ्रेंड्स इतना सारा जो दिख रहा था वो बस इतना सा मैंने बचाया है, बिल्कुल थोड़ा सा, और सारे को मैंने अच्छे से अच्छे, खूब अच्छी तरीके से मैंने इसको निचोड़ दिया है, ताकि इसके अंदर कोई ऑयल ना बचे। फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा तेल बनाना आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके। थैंक यू फ्रेंड्स।